बच्चों के आदाब, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखना और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, छींक आने पर क्या करना चाहिए? मुंह पर हाथ रखना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर, मुंह पर हाथ क्यों रखते हैं? ताकि जरासीम और छींटे दूसरों पर ना जाएं। छींक आने पर मुंह पर हाथ रखना और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना अच्छी बात है। छींक आने पर मुंह पर हाथ रखना और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना अच्छी बात है।